जो मजबूती से रघुवर दास हैं वहां अभी, पर हम हाँ लोग ठीक हैं, है, आप जरा जरा इसलिए सारे रिजल्ट आने के बाद ही मैं इस पे आप सबसे विस्तार से आपसे फिर बात करूंगा, आप निश्चित रहें, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए सारे रिजल्ट आने के बाद ये मोदी मैं की आपसे याद है, रघुवर दास की याद है। नहीं, अभी हार और जीत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रुझान आने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मैं मानता हूं ये मेरी हार है। और विधानसभा क्षेत्र आगे आऊंगा, निश्चित रहिए विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या चमत्कार होने का उम्मीद है? कोई चमत्कार होने का उम्मीद नहीं है। जो क्षेत्र के जो ब्लॉक खुलते हैं तो उस आधार पर अभी काफी चार थाना क्षेत्र के, क्योंकि अभी तक 1,73,000 पोल और अभी तक लगभग 70,000 की गिनती हुई है, इसलिए 1,00,000 का गिनती अभी बाकी है। इसलिए विभिन्न क्षेत्र में इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन जो भी अभी तक रुझान आया मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं फिर आप सबसे मिलूंगा। देखो, लक्ष्य जिंदगी में हमेशा बड़ा रहा है, छोटा रहकर लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर काम करती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा किए थे कि 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करें लाए, और इस समय हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन ग्राम से चूक की पूरी विश्लेषण करने के बाद ही ये आपसे मैं फिर वार्ता करूंगा। आप नहीं रखा, आपको लगता है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, मुझे अभी भी उम्मीद है। पूरी रुझान आ रही है, रिजल्ट आ जा रहा है, मैं फिर आपसे मिलूंगा। हमें क्या करना है, तो लोकतंत्र में जो जो भी जनादेश मिलेगा भारतीय जनता पार्टी सहर्ष स्वीकार करेगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। भाई ने जो फैसला दिया है वो स्वीकार करते हैं और हार की समीक्षा, हालांकि सभी लोग कहते हैं कि हम हार की समीक्षा करेंगे, लेकिन अब हार की समीक्षा कितनी होती है वो तो पता ही है। अगर हार के पहले